हेलो, गुड मॉर्निंग जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करूं तो झारखंड में आज से गुलजार होंगे शॉपिंग मॉल, बस परिचालन पर रोक जारी। झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को कुछ छूट के साथ 24 जून की सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। 17 जून यानी आज से अनलॉक 3 के नियम लागू हो जाएंगे। आपदा प्रबंधन विभाग ने बुधवार को इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार अब राज्य के सभी जिलों की सभी दुकानें 17 जून की 6 बजे से खुल जाएंगे। दुकानों को शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। गुरुवार से राज्य में मॉल व डिपार्टमेंटल स्टोर भी गुलजार हो जाएंगे। इस हफ्ते भी शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक यानी 38 घंटे का संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दरमियान हर तरह की दुकानें, सब्जी, राशन व फल की दुकानें भी बंद रहेगी और अनावश्यक निजी वाहन से निकलने पर रोक जारी रहेगी। इस अवधि में सिर्फ दूध की दुकानें ही खुल सकेंगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अनलॉक 3 में शादी व बसों के परिचालन में नहीं मिली है छूट। शादी या तो घर में होगी या कोर्ट में, जहाँ अधिकतम 11 सदस्य रह सकेंगे। इसमें अभी भी कोई छूट नहीं दी गई है। सामुदायिक हॉल, बैंक्वेट हॉल में आयोजित की अनुमति नहीं है। लाउडस्पीकर, डीजे व आतिशबाजी पर भी रोक है। शादी के 3 दिन पहले स्थानीय थाने को इसकी सूचना देनी होगी। बस परिचालन पर भी अभी रोक है, इसमें भी कोई ढिलाई नहीं दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में हाट बाजार को लगने की अनुमति है, लेकिन शारीरिक दूरी का जो है पालन करना जरूरी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 20 जून तक भारी बारिश, राज्य के कई हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी। झारखंड वासियों को इन दिनों मेघा गर्जन के साथ भारी बारिश के बीच ही अपनी दिनचर्या निर्धारित करनी होगी, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार 20 जून तक झारखंड के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। इसलिए 4 दिनों के लिए मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों के लिए येलो अलर्ट की चेतावनी जारी की है। 17 और 18 जून को राज्य में कहीं कहीं मध्यम दर्ज की बारिश और वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हवा चलेगी, जबकि राज्य के उत्तरी और दक्षिण भाग में भारी बारिश होगी। इन जिलों में पूर्व सिंहभूमि, पश्चिम सिंहभूमि, सिमडेगा, सरायकेला, खारसावा के अलावा अन्य जिले शामिल हैं। वहीं दूसरे दिन भी कुछ इलाकों को छोड़कर तेज हवाओं के साथ रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़ व अन्य जिले में भारी बारिश होने का पूर्व अनुमान है। इसके बाद अन्य 2 दिन यानी 19 और 20 को राज्य के सभी इलाकों में मेघा गर्जन के साथ हल्के से मध्यम या भारी बारिश होगी। अगली बड़ी खबर की बात करूँ तो आर्मी भर्ती बोर्ड ने जारी किया निर्देश। रांची मोराबादी मैदान में आयोजित सेना भर्ती रैली के सफल उम्मीदवार आर्मी हॉस्पिटल में रिपोर्ट करें। आर्मी भर्ती बोर्ड ने भर्ती रैली में सफल रहे उम्मीदवारों के मेडिकल रिव्यू की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भर्ती बोर्ड की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी किया गया है। सेना भर्ती कार्यालय ने सफल अभ्यर्थियों को मेडिकल रिव्यू के लिए तुरंत आर्मी हॉस्पिटल में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है। मोराबादी मैदान में सेना भर्ती 10 मार्च से 25 मार्च तक आयोजित की गई थी। इसमें चयनित अभ्यर्थियों का मेडिकल रिव्यू अप्रैल में होना था, लेकिन कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई थी। अब ऐसे अभ्यर्थियों को तुरंत अपना मेडिकल रिव्यू करवाने के लिए निर्धारित किए हुए आर्मी अस्पताल में रिपोर्ट करने को कहा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करूँ तो मनरेगा मजदूरों की मौत पर परिजनों को मिलेंगे 75,000 रुपये। दुर्घटना में विकलांग होने पर 37,000 रुपये, जाने क्या है नया प्रावधान। राज्य के मनरेगा मजदूरों की दुर्घटना में या अप्राकृतिक मौत होने पर 75,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया है। यह राशि उनके आश्रितों को दी जाएगी। वही दुर्घटना में आंशिक रूप से विकलांग होने पर 37,500 रुपये व सामान्य मृत्यु होने पर 30,000 रुपये दिए जाएंगे। मनरेगा योजना अंतर्गत जो निर्मित डोभा में डूबकर मरने पर आश्रितों को अनुग्रह अनुदान के रूप 50,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए जो है इस वित्त वर्ष में 10 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव जो है डॉक्टर मनीष रंजन ने सभी जिलों के DDC को पत्र के माध्यम से इस संबंध में निर्देश भी दिए हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत के दिल्ली दौरे पर बीजेपी बोली, कांग्रेस नेताओं के घर नतमस्तक होना झारखंड की जनता का अपमान। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे के बाद से राज्य की सियासी गतिविधि तेज हो गई है। विपक्ष से लेकर सभी लोग की निगाहें दिल्ली दरबार ही निहार रही है। पिछले 24 घंटे से सीएम हेमंत सोरेन की दिल्ली में मौजूदगी पर झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का राजनीतिक दिल्ली जाकर झारखंड के विकास की बात करना, केंद्र सरकार से मिलना, पदाधिकारियों से मिलना, आयोग से मिलना, नीति आयोग से मिलना, ये तो अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस के आला नेताओं के आगे नतमस्तक होना राज्य की 3.25 करोड़ जनता की अपमान है। मंत्रिमंडल में बदलाव मुख्यमंत्री का अधिकार है, लेकिन किसी और के कहने पर यह ना किया जाए।
अगली बड़ी खबर की बात करूं तो इग्नू में जुलाई सत्र के लिए नामांकन लिंक जारी, 15 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन। इग्नू यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जुलाई शैक्षणिक सत्र के लिए सभी कार्यक्रम में ऑनलाइन नामांकन के लिंक विश्वविद्यालय द्वारा जारी कर दिया गया है। इच्छुक विद्यार्थी 15 जुलाई तक नामांकन ले सकते हैं। इसके लिए वे विश्वविद्यालय की वेबसाइट ignuadmission.samarth.edu.in पर जाएं। इसके अलावा किसी तरह की विशेष जानकारी के लिए राज्य के सभी जिलों के जो शिक्षार्थी सेवा केंद्र या रांची के क्षेत्रीय केंद्र अशोक नगर में संपर्क कर सकते हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में टर्म एंड एग्जाम जून 2021 के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 30 जून कर दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के खारसावां कुचाई में मानसून की बारिश, नदी नालों में आया उफान, 15 फीट ऊंची पुलिया के ऊपर चढ़ा नदी का पानी, दुकानों और घरों में घुसा पानी। खारसावां कुचाई में मानसून ने दस्तक देते ही पिछले 24 घंटों से झमाझम बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है, इसके बाद कई घरों और दुकानों में पानी घुस गया है। वहीं सोना नदी पर बनी 15 फीट ऊंची पुरानी पुल से करीब 4 फीट ऊपर पानी चढ़ गया है, इससे इस रूट पर आवाजाही बंद हो गई है। हालांकि जो है बारिश के कुछ देर बंद होने पर बाढ़ का पानी नीचे उतर आया है और पुलिया को छूने लगा है। ऐसी स्थिति में भी लोग जो है पुलिया से आते जाते दिखे। यह पुलिया जो है खारसावां से NH-33 को जोड़ती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गिरिडीह में लगातार बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ा, प्रतिबंध के बावजूद नदी से बालू उठाव करता ट्रैक्टर नदी की तेज धार में फंसा, ड्राइवर ने तैरकर बचाई जान। मूसलाधार बारिश के बीच नदी में बालू उठाव के दौरान एक ट्रैक्टर बुधवार को नदी में डूब गया। ड्राइवर किसी तरह तैरकर जो है बाहर निकला है और अपनी जान बचाई। मामला जो है बेगाबांध स्थित मोतीलेदा पंचायत के केंदुआ गढ़ा जो चोरगता नदी की है। यहां प्रतिबंध के बावजूद नदी से बालू का उठाव जारी है। पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश के कारण नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है और पानी का जो है बहाव भी काफी तेज है। इसी बीच बालू निकालने नदी में घुसा ट्रैक्टर पानी के तेज बहाव में फंस गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीजेपी ने राज्यपाल को सौंपा त्राही मांग पत्र, खनिज संसाधन की तस्करी को रोकने के लिए उतरेंगे सड़क पर। झारखंड में हो रही खनिज संपदा की लूट को लेकर बुधवार को प्रदेश अध्यक्ष साहा राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, प्रदेश महामंत्री द्वाज आदित्य प्रसाद साहू और पीके वर्मा ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से राजभवन में मुलाकात कर त्राही मांग पत्र सौंपा है और खनिज संसाधनों की लूट रोकने के लिए सड़क पर उतरकर आंदोलन करने का ऐलान किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर में 13 साइबर अपराधियों समेत 25 गिरफ्तार। झारखंड के देवघर में पुलिस ने 3 विभिन्न घटनाओं में छापेमारी कर 13 साइबर अपराधियों समेत कुल 25 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस अधीक्षक अश्वनी कुमार सिन्हा ने बताया है कि 3 विभिन्न घटनाओं में देवघर में पुलिस ने कुल 25 अपराधियों को बुधवार को गिरफ्तार किया है तथा उनके पास से 14 मोटरसाइकिल, 30 मोबाइल फोन, 29 सिम कार्ड, 6 ATM तथा 8 पासबुक बरामद किया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार लोगों में 13 साइबर अपराधी हैं तथा मोटरसाइकिल चोरी के मामले से जुड़े 10 और अपराधी हैं एवं लूटपाट के मामले से 2 जो है अपराधी जुड़े हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में सरकारी स्कूल के थाली से गायब होंगे अंडे, बच्चों को मिलेगा सूखा राशन। झारखंड के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को अब बकाया अंडा या फल के बजाय सूखा राशन मिलेगा। कोरोना संक्रमण काल में बंद सरकारी स्कूल के बच्चों को लेकर शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है। दरअसल अक्टूबर 2020 से ही सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को अंडा नहीं मिल पा रहा है। शिक्षा विभाग का मानना है कि मौजूदा कोरोना काल में बच्चों के घर तक अंडा पहुंचा पाना मुमकिन नहीं है। कोरोना के संक्रमण काल ने सरकारी स्कूल पर ही नहीं बल्कि छात्रों के निवाले पर भी ताला लगा दिया है। कोरोना की वजह से साल 2020 के अप्रैल माह से अब तक झारखंड के सरकारी स्कूल बंद है और स्कूल बंद होने की वजह से छात्रों को जो है मध्याह्न भोजन भी नसीब नहीं हो पा रहा है। राज्य सरकार ने इसका वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए कक्षा 1 से 5 तक के लिए प्रतिदिन 100 ग्राम और कक्षा 6 से 8 तक के लिए प्रतिदिन 150 ग्राम चावल देने की घोषणा की है, जबकि अंडा या फल देने को लेकर छात्रों के खाते में पैसे भेजने का आदेश फिलहाल ठंडे बस्ते में है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में पिछले 24 घंटे मिले 62,176 नए संक्रमित, 2,539 को भी मौत। देश में कोरोना महामारी कंट्रोल हो रही है। बीते दिन यहां 62,176 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वही 1,07,710 संक्रमित ठीक हुए हैं, वही 2,539 की मौत हुई है। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 48,090 की कमी आई है। बीते 15 दिनों में एक्टिव केस में 10,30,587 गिरावट दर्ज की गई है। 1 जून को जो है देश में 18,90,000 जो है 949 संक्रमितों का इलाज चल रहा था, अब ये आंकड़ा 8,60,362 तक
पहुंच गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शिक्षक नियुक्ति मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार व जेपीएससी से मांगा जवाब। हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एस एन पाठक की पीठ में प्रशिक्षित स्नातकोत्तर शिक्षक नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को पूरक शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने पूछा है कि यदि कोई एक सत्र में 2 डिग्री हासिल करता है तो वह जो है वैध क्यों नहीं है। इस मामले में अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी। इस संबंध में उमाशंकर कुशवाहा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान जेपीएससी की ओर से अदालत को बताया गया है कि प्रार्थी की नियुक्ति की अनुशंसा की गई थी लेकिन सरकार ने उनकी नियुक्ति नहीं की है। अगली बड़ी खबर की बात करूँ तो विधायक इंद्रजीत महतो के इलाज के लिए स्वास्थ्य मंत्री से वार्ता करेंगे दीपक प्रकाश। सिंदरी के भाजपा विधायक इंद्रजीत महतो के बेहतर इलाज के लिए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से बात करेंगे। रांची में प्रदेश भाजपा के आला नेताओं के जिला अध्यक्षों के साथ बैठक के बाद ज्ञान रंजन ने दीपक प्रकाश से मुलाकात कर विधायक इंद्रजीत महतो को बेहतर से बेहतर चिकित्सक सुविधा मुहैया कराने की मांग की थी। अगली बड़ी खबर की बात करूँ तो IMA झारखंड की ओर से राष्ट्रव्यापी विरोध दिवस 18 जून को मनाया जाएगा। IMA झारखंड की ओर से 18 जून को राष्ट्रव्यापी विरोध दिवस मनाया जा रहा है। इसके तहत झारखंड में भी व्यापक स्तर पर आंदोलन होगा। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। IMA के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार सिंह एवं सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह ने बताया है कि इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए झारखंड के हर जिले से संदेश आया है। धनबाद में डॉक्टरों ने भी इस आंदोलन के लिए हरी झंडी दिखाई है। इस आंदोलन से मरीजों को कोई दिक्कत हो इस बात का भी विशेष ध्यान रखा गया है। सेवा दी सेवर और स्टॉप वायलेंस एंड प्रोफेशन एंड प्रोफेशनल की थीम पर होगा। बताया गया है कि अस्पतालों की सुरक्षा के लिए कठोर कानून बनाए जाने को लेकर आंदोलन किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करूँ तो मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। देवघर में प्रखंड मुख्यालय समेत अन्य गांव में पिछले 6 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बुधवार को भी क्षेत्र में जमकर बारिश हुई है। आलम यह है कि लोगों को अपने घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। इधर 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से जहां मौसम पूरी तरह से सुहाना हो गया है तो दूसरी ओर लोगों को जो है नारकीय स्थिति झेलनी पड़ रही है। नाली जाम रहने के कारण आधा दर्जन घरों में पानी घुस गया है। वहीं बारिश के कारण ग्रामीण सड़कों पर लोगों का चलना मुश्किल हो गया है जबकि जो है कारो निवासी उत्तम मुखर्जी का घर ध्वस्त हो गया है। पिछले 4 दिनों की बारिश में जो है लबालब हुए खेत हैं और पिछले 4 दिनों से हो रही बारिश के कारण खेतों में बड़ी मात्रा में पानी जमा हो गया है जिस कारण किसान परेशान हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।